हाय फ्रेंड्स, जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, जहां हमारे युवा इतने दिन से लगातार भर्ती के चक्कर में, आर्मी रैली भर्ती के चक्कर में और कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के चक्कर में चलते परेशान चल रहे थे, लगातार उदास थे, निराश थे, हताश थे, तो उनके लिए अभी एक खुशखबरी आने वाली है। आज इसके लिए आज दिल्ली में एक बहुत बड़ी मीटिंग का आयोजन हो रहा है और इस मीटिंग में आज मतलब जो भी टीओडी के ऊपर मंथन होकर के उसके ऊपर विस्तृत जो उसके विस्तार से ऊपर उसके आज एक मीटिंग बुलाई गई है। उसके बाद जितने भी इसमें उसके विचार हैं, सेना में टूर ऑफ ड्यूटी के तहत 4 साल के लिए भर्ती करने के लिए तैयारी है। आज शनिवार को इस प्रोजेक्ट पर मंथन होने जा रहा है और इस प्रोजेक्ट में एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाएगी, उसके बाद लगाई जाएगी इस पर फाइनल मोहर। तो साथियों, अभी भी आपको डरने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल भी भयभीत ना हो। वैसे भी कहावत है ना एक, हमें जो भी हमारे आगामी क्या होने वाला है भविष्य में, उन चीज़ों को लेकर के हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए और इस चीज़ के लिए हमें आप हमेशा तत्पर और तैयार रहना चाहिए। यानी कि ये समय जो जब ये टेक्निकल युग है आजकल डिजिटल इंडिया, इसके साथ मिलके चलना चाहिए और हम अपने आप को हमेशा अपडेटेड रखना चाहिए। तो वैसे तो ये सरासर गलत है, हमारे युवाओं के साथ नाइंसाफी है, टीओडी तो बिल्कुल आनी नहीं चाहिए, इस चीज़ को लाना ही नहीं चाहिए। लेकिन साथियों, इसमें आज बहुत ढेर सारे आप न्यूज़पेपर देख लो उठा उठा करके, उनमें सभी में इस चीज़ के बारे में चर्चाएं चल रही हैं, वो चाहे आज तक का है, चाहे जी न्यूज़ वाला है, उसके बाद और अपना और भी कई न्यूज़पेपर हैं उनमें ये चीज़ें, अमर उजाला है, सभी में ये चर्चाएं चल रही हैं। तो अभी होगा क्या वो देखा जाएगा, जब तक अभी भी एक प्रपोजल है लेकिन जब तक इसकी कोई ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगी हम कुछ नहीं कह सकते। तो यह आपको पर डिपेंड करता है, अगर मान लो इसमें सारी भर्तियाँ ही ट्यूडे के तहत होंगी तो उसमें आपने भर्ती होना है नहीं होना है, वो क्या करना है क्या नहीं करना, वो सारा आपके ऊपर डिपेंड है, आपको कोई भी ज़बरदस्ती भर्ती करने वाला नहीं है, ठीक है। तो कल एक बच्चे का मुझे कमेंट भी आया था कि आप मतलब बहुत बदतमीजी से वो कमेंट कर रहा था कि तुझे अगर 4 साल के लिए भेजा जाए तो कैसा लगेगा, मतलब उसका बोलने का तरीका बिल्कुल सही नहीं था, लेकिन जो भी है। लेकिन दोस्तों, कोई भी यूट्यूबर है वो क्या आपको भर्ती करने वाला है, ना ही उसने कोई भर्ती की संस्था खोल रखी है, वो सिर्फ आपको जो भी अभी क्या चल रहा है, क्या समाचार चल रहे हैं, आपको उन चीज़ों से अपडेटेड कराते हैं, ठीक है ना। कि वो उन्होंने कोई, मेरे पास तो कोई एकेडमी भी नहीं है, ना ही कोई मैं एकेडमी चलाता हूँ और ना ही कोई अपना जैसे कोई स्टडी एकेडमी चलाता हूँ। मेरा काम है सिर्फ आप लोगों को बूस्टर के तौर पर एक जोश और जुनून आप लोगों के अंदर आर्मी के लिए भरते रहना, ठीक है। तो अभी क्या होगा, शाम को आज पता चल जाएगा, उसके बाद जो भी खबर निकल के सामने आएंगी उन खबरों से आपको आपके साथ साझा करके आपको रूबरू करा दिया जाएगा। लेकिन आपको अभी भी डरने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। और काफ़ी भाई बोल रहे थे कि सर हमें एक डॉक्यूमेंट के ऊपर एक वीडियो बनाइए, अभी क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, क्योंकि इस चीज़ को हम भी जानते हैं, काफ़ी बच्चे उनके डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं होते या जो डॉक्यूमेंट लगने वाले होते हैं उनको ठीक से जानकारी नहीं होती, इस वजह से काफ़ी वो भर्ती से बाहर निकल जाते हैं। तो इसके ऊपर भी आगामी मेरा वीडियो आने वाला है, उसको आप जरूर लोग सब लोग देखना। तो फिलहाल इसमें इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।